भारतीय एजेंसियों की बढ़ सकती है चिंता। जाकिर नायक के प्रत्यर्पण की कोशिशों को लग सकता है झटका। मलेशिया के प्रधानमंत्री मताहिर मोहम्मद ने बयान दिया है कि हमारे पास जाकिर नायक के प्रत्यर्पण नहीं करने का अधिकार है। साथ ही मताहिर ने कहा कि जाकिर को लगता है भारतीय अदालत में उसके मामले में निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी। ठोस सबूत अब भारत को देने की जरूरत है, जहां पर मलेशिया को ये लगे कि चाहे फेयर ट्रायल हो चाहे नहीं हो, ये इतने संगीन मामले हैं कि जाकिर नायक को अपने देश में रखना सही नहीं है। तो यहाँ कहीं ना कहीं अब MHA, होम मिनिस्टर और जो उनके अंडर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट्स एंड एनफोर्सिंग एजेंसीज आते हैं, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका है कि वो कैसे सबूत तैयार कर सकेंगे जिससे मलेशिया से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट इंटरपोल कन्विंस हो जाए कि रेड कॉर्नर नोटिस की जरूरत है और जो मामले उनके अगेंस्ट दर्ज हैं भारत में वो अनफेयर नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ओनस भारत पर है। अगर तस्वीरें कुछ कहती हैं तो जाकिर नायक के आत्मविश्वास का मतलब समझ में आ सकता है। जाकिर ने बयान दिया है, भारतीय जांच एजेंसियों ने पहले भी मेरे खिलाफ ऐसी नाकाम कोशिश की है, अब मुझे हवाला के मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है कि इस बार भी उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ। या तो पूछताछ के लिए भारतीय अधिकारी मलेशिया आए या मुझे भारत के सुप्रीम कोर्ट से लिखित आश्वासन मिले कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मैं आज ही भारत लौटने को तैयार हूँ। जाकिर नायक गिरफ्तारी से बचने के लिए लंबे समय से मलेशिया में छुपा है। वहाँ की सरकार ने उसे स्थायी नागरिक का दर्जा भी दे रखा है। NIA ने 2016 में जाकिर के खिलाफ एंटी टेरर लॉ के तहत मामला दर्ज किया था। जाकिर पर युवकों को जिहाद के लिए भड़काने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप है। जाकिर पर UAPA कानून के तहत भी मामला दर्ज है और उस पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है। सबसे पहले ढाका ब्लास्ट के वक्त जाकिर का नाम उछला था, जब धमाके में शामिल आतंकियों ने कहा था कि वो जाकिर के भाषणों से प्रभावित हैं। जाकिर की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन भारत में बैन है। विजय माल्या हो, नीरव मोदी या फिर मेहुल चौकसी, सभी ने कभी ना कभी ये दलील जरूर दी है कि उन्हें इंडियन एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। लेकिन छोटा राजन, अबू सलेम जैसे गैंगस्टर्स को इंडियन एजेंसियों ने ही एक्सट्राडाइट किया है। अब देखना ये होगा क्या डॉक्टर जाकिर नायक का भी यही अंजाम होता है।